घर चलने का भी मुश्किल हो जा रहा है। हाँ तो बढ़िया सेल था, लेकिन यहाँ कुछ सेल नहीं है। स्ट्रीट फूड था वहाँ का, वो फेमस था, जो कि उठकर अब यहाँ आ गया है। चलिए गोलगप्पे वाले भैया से बात। छोटू बीच में आ जाते हो। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं मौर्या लॉक 2.0। मतलब आज थोड़ा अलग है, बहुत कुछ अलग है यहाँ पे, कि आपका मौर्या लॉक का जितना भी स्टॉल था सब उठ के तारामंडल के पास आ गया है। और जनरली ये हमें चीज़ पता नहीं था कि पटना में ये भी हो रहा है। भाई पटना में के वासी होते हुए हमको ये चीज़ नहीं पता था, अब मेरे को माफ़ कर देना। तो हम सोचे कि चलिए क्यों ना यहाँ पे आया जाए। भीड़ भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। बात किया जाए यहाँ पे कि क्या आपका सेल्स कैसा चल रहा है, सेल्स डाउन गया है या सेल्स सही चल रहा है, जैसा भी है। तो कस्टमर रिव्यू भी देखेंगे, लेंगे और एंड में हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलिए इस गोलगप्पे वाले भैया से ही बात करते हैं। आप पहले अंदर स्टॉल लगाते थे अपना? हाँ। तो पहले अंदर जो स्टॉल लगाते थे तब कैसा आपका सेल्स चल रहा था और अब कैसा सेल्स चल रहा है? बढ़िया था, वहाँ जमल था। अभी यहाँ नया नया आया है, किसी को पता नहीं है कि कहाँ चल गया। अच्छा, अब जानते नहीं जानेगा मैडम, मौर्या का है तो मौर्या यहाँ पर कहाँ बात होगा। अच्छा, तो मतलब सेल्स बहुत डाउन चला है। बहुत डाउन, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है ना कि यहाँ पे लग गया है ये दुकान। हाँ, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। थैंक यू। घूमते फिरते आ गए हैं बटाटा पूरी वाले भैया के पास। भैया अपना नाम बताइएगा पहले। राजू कुमार। ओके, तो ये बताइए कि आप अंदर में जब लगाते थे आपका क्या सेल्स था और यहाँ पे आपका क्या सेल्स चल रहा है? वहाँ तो बढ़िया सेल था, लेकिन यहाँ कुछ सेल नहीं है। कुछ सेल नहीं है? नहीं, वहाँ से लोग भी अवेयर नहीं है कि ये बाहर आ चुके हैं। बहुत लोग कस्टमर अभी नहीं जानते कि हम लोग तारामंडल आ गए हैं। तो कैसे पेट लगाते हैं? भेलपूरी 25 का है, बटाटा पूरी 30 का है। ठीक है, थैंक यू भैया बताने के लिए। अब चलते चलते हम पहुंच गए लिट्टी कॉर्नर के पास, आरके लिट्टी। ये बताइए कि अंदर से ये बाहर जब आ गया, शिफ्ट कर गया, तो आपके सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? भैया हम लोग को यहाँ पे सेल्स के बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे सबका, जैसे हम लोग 5 आदमी काम करने वाले थे, सबका 500 करके हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी 2 ही आदमी का भी आपस हो गया। यहाँ पे आप और ये छोटू, यहाँ पे ज़्यादा दुकानदारी नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाली मुश्किल से मुश्किल घर चलने का भी मुश्किल हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि ज़्यादा दूर से नहीं आप लोग आए हैं। नहीं, यहाँ पे कस्टमर लोग आ ही नहीं चाहता, यहाँ पे रोड है, रोड पे कस्टमर बैठना नहीं चाहता। दूसरा चीज हमको ये लग रहा है कि ये आपका आउटर हो जाता है। जी, आउट एरिया है। हाँ। और फैमिली कस्टमर आना नहीं चाहता, फैमिली लोग इधर आने के लिए सोचना पड़ता है। स्पेशली आपको पता है टर्न लेके आना पड़ेगा। जी, शॉपिंग करके खाना खाते थे, नाश्ता पानी जो भी करने का होता खा पी कर निकल जाता था। वहाँ सब चीज का सुविधा था, यहाँ पे तो ना पानी है ना और चीज की व्यवस्था है। यहाँ कस्टमर को खड़ा होने के रोड पर चाहता नहीं है। कैसे आपका ये बिक रहा है? 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए प्लेट, 1 प्लेट लगा दीजिए। 1 प्लेट लगा दो। कुछ भैया एंजॉय कर रहे हैं लिट्टी। आप ये बताइए कि आप लोग को एज अ कस्टमर क्या इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे जो हट गया स्टॉल? मतलब एज अ कस्टमर मतलब दिक्कत तो है ही वहाँ से आने में। यहाँ पे एक यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे मतलब एक ट्रैफिक है यहाँ पे। हाँ। वो आपको क्रॉस करके आना, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। प्लस अगर आप इधर से आते हैं तो आपको वहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जरा एक बार दिखा दीजिए। और दूसरा चीज पार्किंग, ठीक है। अभी क्या है कि अभी वहाँ पे मतलब पार्किंग अभी है, पहले वहाँ पे पार्किंग चार्ज नहीं था। अभी मैं आया मतलब बहुत दिन बाद आया हूँ। 2 घंटा 10 रुपए अब ये तो मतलब वो तो ठीक है, व्हीकल की सेफ्टी हुई है वहाँ पे अभी, अब बाकी चल के तो आना पड़ता है। थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाहिएगा? नहीं बोलना चाहिएगा। तो अभी हम लोग ये लिट्टी को खाते हैं, और भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड है वो भी खाएंगे। अरे मौर्या लॉक का तो खाना वो तो काफ़ी फेमस है ही और काफ़ी टेस्टी भी होता है। मोमोज तो पक्का खाने वाले हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अभी हमने लिट्टी का वो खा लिया, एंड यू ऑल नो कि मौर्या लॉक में थोड़ा तो उधर करना क्या का नेपाली मोमो लोग काफ़ी पसंद करते हैं खाना।
तो चलिए इनका नेपाली मोमो खाते हैं, और इसके बाद एक और हम मोमो खाने वाले, वो हम आपको बताएंगे उसके पीछे का स्टोरी। वीडियो को करते हैं अब एंड। बट एक चीज जो आपको बोले थे कि हम राहुल मोमो खाएंगे, ओके, तो राहुल मोमो इज दैट। पहले आप यहाँ देख लो कि राहुल मोमो का यहाँ स्टॉल है। तो राहुल मोमो जो है ना, वो आपकी घोड़ा लॉक की जान है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम सॉरी फॉर डैट नॉइज, बाहर में तो नॉइज आए गई, तो जब भी हम आए हैं मोरिया लॉक, तो राहुल मोमो में हमेशा खाए हैं। बट इनके छोटे से कैफे में फर्स्ट टाइम आज हम ट्राई कर रहे हैं इनके ये स्ट्रीट वाले आउटलेट में। तो आज हम क्या खाने वाले हैं? वेज चिली मोमो खाने वाले हैं, जो मेरा काफ़ी इनके यहाँ का फेव होता है। तो इनको इनसे बनवा रहे हैं और ये खा के वीडियो को एडिट करते हैं, आ जाइए। तो ये है राहुल जी, राहुल मोमो के पीछे वाले इंसान, जिनके नाम का हमेशा मोमो खाते रहे हम, बट कभी मिले नहीं। तो राहुल जी है कौन? तो आप ये बताइए, जब से ये शिफ्ट हुआ है तारामंडल के साइड में, तो सेल्स आपका क्या जा रहा है? सेल तो अभी थोड़ा डाउन हो गया है, डाउन हो गया। पहले से मोरिया लोक में लगता था, अब पार्किंग हो गया। हाँ। पार्किंग के कारण सबको मतलब बाहर निकाला गया। हाँ। तो अभी सब सारा ठेले वाले सब इधर लगाए हुए। चलिए कोई बात नहीं, आशा करते हैं कि आपका ये जो भी सेल्स डाउन हुआ ऐसा ही हो जाए। सो दिस इज माय, क्या था भाई? चिली मोमो। चिली मोमो, let's try. Wow, garam garam. भाई साहब बहुत गर्म है। टेस्ट वैसा ही है जैसा ऊपर वाले राहुल मोमो का रहता है। काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। इसके बाद हमारा है तंदूरी मोमो वेज में, वो खाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए भाई, लोगों सेल्फ डाउन हो गया, आप ही लोग सेल्फ बनवाइएगा। मिलता है आपसे बाद में किसी और ब्लॉग में, किसी और लोकेशन में। सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। बाय। ये है हमारा तंदूरी मोमो, और जो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है।